Good morning, children. How are you all today? Well, children, we are on the chapter number 14, water, and this is the third video of this chapter. So let's start our learning with the topic circulation of water in nature. Water एक renewable resource है earth पर. Renewable resource means हम इसे again and again use कर सकते हैं. Now we will understand what is the process by which water leaves the earth and वो वापस से return back करता है earth पर. So the process by which water leaves the earth are evaporation of water from water bodies and other wet bodies on the earth. जो earth पर water bodies हैं उनमें से जो water है वो evaporate होता है. Oceans, seas, river, lakes and ponds में से water evaporate होता है जब उसके ऊपर sunlight गिरती है. उससे water heat up होता है and evaporate होता है. ये evaporated water ऊपर की तरफ मूव करता है एंड ये मिक्स हो जाता है एयर के साथ. हमारे वेट क्लोथ्स भी थोड़ी देर में ड्राई अप हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो वेट क्लोथ्स हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं हीट को फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड इनके अंदर का जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर. ये वाटर वेपर एस्केप करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट प्रोसेस जिससे वाटर अर्थ सरफेस को लीव करता है तो है लॉस ऑफ वाटर बाय रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के दौरान लिविंग बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं. ये ऑक्सीजन रिएक्ट करती है डाइजेस्टेड फूड के साथ एंड एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करती है. तो जब हम ब्रीद आउट कर रहे होते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर छोड़ दिया जाता है. द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर स्केप इन टू द एटमोसफियर. द नेक्स्ट प्रोसेस बाय विच वाटर लीव्स द अर्थ सरफेस इज लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में प्लांट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करके रखता है उसमें से कुछ पार्ट वो रिलीज कर देता है अपनी लीव्स की हेल्प से एंड ये जो वाटर है ये देन मिक्स हो जाता है इनटू द एयर. ये जो प्रोसेस है जिससे प्लांट वाटर को लीव करता है अपनी लीव्स की हेल्प से अपनी पत्तियों की हेल्प से वो कहलाता है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन अफेक्टेड होता है बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स एंड वो हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड टाइम ऑफ द डे. वेल चिल्ड्रन, ये जो डिफरेंट मेथड्स थे जिनसे वाटर अर्थ सरफेस को लीव कर रहा था ये जो लॉस्ट वाटर है ये वापस से अर्थ सरफेस पर रिटर्न बैक करता है. एंड किन मेथड से वापस से रिटर्न बैक हो रहा है या किन फॉर्म में ये रिटर्न बैक हो रहा है तो वो फॉर्म्स हैं रेन, स्नोफॉल एंड हेल. क्लाउड्स में प्रेजेंट स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाती हैं और एक बिगर ड्रॉप बनाती हैं. जब ये ड्रॉप हैवी होती है तो ये फॉल डाउन करती है इन द फॉर्म ऑफ रेन. अगर टेम्परेचर फॉल हो जाता है, कम हो जाता है तो उस समय ये जो रेन ड्रॉप हैं ये फ्रोजन हो जाती हैं, ये जम जाती हैं एंड ये बनती हैं हेल्स. अगर टेम्परेचर और ज़्यादा फर्दर फॉल हो जाता है तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये फ्रोजन होती हैं एंड ये गिरती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्नो. ज़्यादातर पानी जो अर्थ पर रिटर्न होता है वो रेन की फॉर्म में रिटर्न करता है एंड ये जो रेन वाटर है ये अल्टीमेटली ओशंस में मिल जाता है. बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट का जो रेन वाटर है वो सॉइल एब्जॉर्ब भी करती है एंड यही वो वाटर है जो अवेलेबल रहता है हमारे लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, वेल वाटर, ट्यूबवेल वाटर और स्प्रिंग वाटर. माउंटेंस के ऊपर जो स्नो जमी हुई रहती है वो मेल्ट करती है एंड वाटर में कन्वर्ट होती है. ये वाटर देन माउंटेन से झरनों की फॉर्म में होता हुआ रिवर्स में मिलता है एंड ये रिवर्स देन
जाके अल्टीमेटली सी या ओशन में मिक्स हो जाती है। तो ये वो फॉर्म थे जिनसे वाटर वापस से अर्थ सरफेस पर रिटर्न करता है। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो चिल्ड्रेन, एंड नाउ कम्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नीड टू स्टे एट होम, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ईट हेल्दी फूड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, remember to wash your hands with soap on regular basis for at least 20 seconds each time. Children, be at home, be safe, be healthy and fit. Thank you for watching.